उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है, अपना हक लेने का बेला हुआ है। अगर सो जाओगे तो खो जाओगे और देख देख के रो रो के मर जाओगे। उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है। जवान शहीद हुए, उन पर सीबीआई आज तक जांच नहीं हुआ कि सामने से बारूद आया, कैसे हमारे सेना उड़ गए, उस टाइम मोदी जी का सेना कहाँ थे। ग्राम सभा से लोकसभा बना, सड़क से संसद चलता है और मानव अपने हक के लिए न जाने क्यों डरता है। दलित का जो नेता है सब मोदी जी से डरे पड़े हुए हैं, और इसलिए डरे पड़ रहे हैं कि सब गरीबों के हक मार के बैठे हुए हैं। तो कम से कम ठोर ठिकाना तो था दुसाधो का, इसको भी खत्म करा दिया चिराग जी ने। हिंदुस्तान हमारा कृषि देश कहलाता है, 100 रुपया में तंदूर बिकता है, 50 रुपये में आटा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिव इंडिया, और इस समय मैं तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन विचारधारा के, और 2024 भी आने वाला है। क्या रहेगा बहुजनों का मूड, और किस सरकार के साथ जाएंगे, कहाँ क्या रहेगा, क्या कहेंगे सर 2024 में बहुजन किसके साथ? 2024 में हम सभी जो है बहुजन के लोग एक तरफा जो है सभी विपक्ष एकजुट होकर के कुल मिला के हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। क्योंकि ये जब से सरकार आई है तब से महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई करप्शन नहीं, आज करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मोदी साहब जब से आए तब से कोई करप्शन जो है, करप्शन करने वाले सदियों करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। सरकार से दिक्कत क्या है, क्यों मोदी जी को हटाना चाहते हैं? मोदी जी को इसलिए हटाना चाहते हैं कि ये महंगाई जो है चरम सीमा पर है, रोजगार जो इंडस्ट्रीज में मजदूर जो नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। जो 400-500 के सिलेंडर मिलता था वो सिलेंडर आज 1100 रुपया के मिल रहा है। शिक्षा जो है, शिक्षा के नई नीति लागू कर करके वो शिक्षा पर जो है प्रहार किया जा रहा है। जो गरीब बच्चे पढ़ते थे उन पे जो है पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है। हमारे देश में शिक्षा का व्यवस्था एक, सबका एक समान शिक्षा होना चाहिए। अगर सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल ही पूरे होना चाहिए, और प्राइवेट स्कूल बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अगर नहीं तो प्राइवेट स्कूल है तो केवल प्राइवेटे करना चाहिए, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, ये बच्चा देश का भविष्य होता है, सब एक विद्यालय में एक शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। क्या कहेंगे, अभी लगातार विपक्ष जो है एक तरफ हो रहा है, नीतीश कुमार हैं, तमाम बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार लगातार जा भी रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, उत्तर प्रदेश में मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, चंद्रशेखर भी हैं उभरते हुए, RLD के तमाम नेता हैं, तो क्या लग रहा है क्या ये सभी एक मंच पर आ पाएंगे? प्रयास तो जारी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास जारी है कि 2024 में सभी विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ें। क्योंकि जिस तरह से मनमानी किया जा रहा है, कोई अगर बोल रहा है तो उसके पीछे CBI लगा दिया जा रहा है। अभी सेना के कमांडो का जो घटना हुआ उस पर CBI जांच नहीं हुआ, हमारे 47 जो है जवान शहीद हुए उन पर CBI आज तक जांच नहीं हुआ कि सामने से बारूद आया, कैसे हमारे सेना उड़ गए, उस टाइम मोदी जी का सेना कहाँ थे। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, जो नेता बोल रहा है उसको सीधे कह दे रहा है कि पार्लियामेंट से बाहर हो जाओ, और अगर कोई बोल रहा तो उसके पीछे CBI लगा दिया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी हैं, दलित का नेता है, लेकिन उनको जो है उनको इतना प्रेशर है कि अगर बोलेंगे तो उनका CBI लग जाएगा, वो डर के मारे बोल नहीं रही है। लेकिन काम तो कर रही है अभी भी? कुछ नहीं, काम जो है काम जीरो पर है। ये सब जो है जितने दलित का जो नेता है सब मोदी जी से डरे पड़े हुए हैं, और इसलिए डरे पड़ रहे हैं कि सब गरीबों के हक मार के बैठे हुए हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। सांसद तो आप ही चुन के भेज रहे हैं संसद में? सांसद हम लोग भेज, 131 सांसद हैं आपके। सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी को तो हम ही चुन के भेजे, लेकिन आशा रखे थे कि चाय बेचने वाले के बेटा हैं, ये गरीबों के हमदर्दी होंगे। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान में देखता हूँ कि कहीं मोदी साहब घोषणा नहीं किए कि हर शहर में जो है 5 चाय का दुकान। अगर चाय बेचने वाले के बेटा थे
तो दुकान चाय का क्यों नहीं खोलवा दिए? पकौड़ा तोड़ने वाला रोजगार, चाय वाले पर बुलडोजर चलाने का काम किए और कहते हैं कि पढ़ो लिखो काम नहीं, रोजगार नौकरी नहीं मिलेगा, रोड पर समोसा बेचो, ब्रेड पकौड़ा बेचो। तो अब बताइए कि हमारा देश का भविष्य जो बच्चा है पढ़ लिख करके क्या वो जो है समोसा बेच सकता है? 100वीं बार में सेंचुरी मार दिया मन की बात की। उनकी मन की बात तो हम लोग सुनते रहते हैं, उनकी मन की बात जो जो आता है वही मन में बोलते हैं। और लेकिन सब लोग कह रहे हैं मन की बात सुनकर लोगों का परिवर्तन हुआ है, लोगों कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम लोग तो कोई परिवर्तन नहीं है, वो करते रहे। हम लोग के मेन उद्देश्य है 24 का, 24 में जो है पूरी ताकत झोंक देना है। और 24 में आपका नेता तो कोई बना नहीं है, विपक्ष का कैसे क्या करेंगे? नेता अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, नेता विपक्ष में, नेता में भी हम तैयार हो रहे हैं। हम चिराग जी से ज्यादा बोलने के लिए कैपेसिटी है, चिराग जी के डर होगा मोदी जी से, हमें डर नहीं। हनुमान जी वो हनुमान जी हैं, लेकिन वो हनुमान बन के रहे, हम उसको पूरी ताकत से साथ जो है जवाब देने का काम करेंगे। मुझे बहुत दुख है क्योंकि 1990 से हमारे गुरु थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, 1990 से मैं जो है 15 साल के आयु से उनके साथ संगत किया, लेकिन जिस टाइम 12 जनपद खाली हुआ उस दिन मेरा कलेजा फट गया कि 60 साल से वो बिल्डिंग जो था कायम था, जब भाजपा में ही रहना था चिराग जी को तो कम से कम 12 जनपद को बचा लेना चाहिए था। अगर 12 जनपद बचा लिए होते मोदी जी को हाथ जोड़ के, तो आज जो है दुसाधों का शांत था कि भूलते भटकते दिल्ली में कोई कहीं भूल भी जाता था तो किसी पुलिस वाले से पूछ लेते थे कि भैया मैं बिहार से आया हूँ 12 जनपद बता दो, तो कम से कम ठोर ठिकाना तो था दुसाधों का। इसको भी खत्म करा दिया चिराग जी ने। तो हम चिराग जी को ये नहीं कहते हैं कि उनको विरोध कर रहे हैं, लेकिन चिराग जी को जो रास्ता है वो अकेले अगर चले हैं तो अकेले चले, ताकत मिलेगा, आशीर्वाद भी देंगे। पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए, पार्टी को तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएंगे। अगर बाप को अगर जो है बाप को अगर बाप नहीं मानिएगा तो टुकड़े तो हो ही जाएंगे। माननीय रामविलास पासवान जी जब तक रहे सब भाइयों के जोड़ के चले, और चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। चिराग जी को कहना चाहिए था कि अब पिताजी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाचा जी को बना देते और कहते कि चाचा जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहिए, काम सब हम करेंगे, तो आज पार्टी नहीं टूटता। पार्टी तो उनके मालिक तोड़ने वाले हैं ना, उनके बड़े बड़े लोग हैं, सूरज भान सिंह है और कई ऐसे नेता हैं। अभी चिराग जी के साथ अगर सब दलित दुसाध लोग अगर हो जाएंगे ना तो किसका नाम लेंगे? किसी दुसाध के नाम नहीं लेते कि ये मेरे पिताजी के संघर्षी हैं, वो किसका नाम लेंगे? सौरभ पांडे इधर आइए। मैं माननीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि पर गया था, जबकि मैं 1990 से संघर्ष किया हूँ उनके पार्टी में, तो जितने बार 100 बार उन्होंने बोला सौरभ अंदर कुछ लेट कर रहा होगा, सौरभ कहाँ हो, मतलब सौरभ भूलता ही नहीं है। जो है से चिराग जी का है शरद सौरभ पांडे। उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है, अपना हक लेने का बेला हुआ है, अगर सो जाओगे तो खो जाओगे और देख देख के रो रो के मर जाओगे। उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है। क्या रहेगा फिर 2024 में? हम लोकतंत्र है, बाबा साहेब अम्बेडकर की मनाई हुई संविधान के निर्माण विश्व के महान अमेंडमेंट हो चुके हैं बहुत सारे। मैं कह रहा हूँ क्या है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी को बुलाना नहीं है। अरे मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों, आप खुश दिल से अपने कार्य को करते रहिए। मेरे पास खाने और खिलाने का खजाना नहीं है, जिनके बीवी बच्चा नहीं है सब परिवार तो आनंद मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आदित्यनाथ योगी जी और प्रधानमंत्री जी महोदय के पास जनाना नहीं है, सबको आना है और किसी को बुलाना नहीं। गुंडा राज खत्म कर दिया योगी जी। गुंडा राज कहाँ, गुंडा उन्होंने पाल रखा है, गुंडा राज खत्म कर दिया, वो पाल रखे थे उनको मरवा रहे हैं कि मेरा भेद खुल जाएगा। हिंदुस्तान हमारा कृषि देश कहलाता है, हिंदुस्तान हमारा कृषि देश कहलाता है, 100 रुपया में तंदूर बिकता है, 50 रुपये में आटा है। अरे सरकार 2024 में क्या कर रहे हैं? सरकार को मोदी जी को हटाना है, 81 साल का बूढ़ा वरिष्ठ नागरिक अगर सरकारी कर्मचारी में है उनको 60 साल के बाद धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है, और जो उनको जो काम नहीं करने वाले हैं सीबीआई इंक्वायरी को नौकरी मिलती है, ऑफिस की नौकरी मिलती है, उसको धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। अरे वर्ल्ड फेमस लीडर है मोदी जी, मैं नहीं मानता हूँ उनको, मान 80 साल को बुढ़ा हो गए, भगवान यहाँ से। अरे वर्ल्ड फेमस लीडर, आप क्या बात, 80 साल को हटाओ,
नई पीढ़ी के लाओ और भारत को कौन है नया पीढ़ी? नया पीढ़ी नौजवान हमारे जूस कौन है? पढ़े लिखे नौजवान है, कौन है बताइए? नेता के अभी बनी नेता, हम बनी नेता जो पढ़ा लिखा हो, एमए पास हो, एमएससी हो, उसको बनाइए। अब ये तमाम देखिए, कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग जो हिंदुस्तान के सत्री बनते हैं और जो गद्दार चोर होते हैं वो मंत्री बनते हैं, और जिनकी पत्नी शादी नहीं होती है वो और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूँ, यही है। जिसके बीबी नहीं है बच्चा, क्या समझ घर का खर्चा? आज सरसों का तेल 225 रुपया किलो बिक रहा है और अरहर की दाल 130 रुपया किलो बिक रहा है। पौष्टिक आहार खाइए, कहाँ से पौष्टिक आहार मिलेगा? तो राशन तो दे रहे हैं 5 किलो, 3 किलो गेहूँ से एक लोहे का पेट भर जाएगा महीने का, बताइए ना। ग्राम सभा से लोकसभा बना और सड़क से संदल चलता है, ग्राम सभा से लोकसभा बना सड़क से संदल चलता है, और मानव अपने हक के लिए न जाने क्यों डरता है? क्यों डरता है हिंदुस्तान? हमारे वोट से उसकी गलती मिली है। तो विपक्ष का नेता तो होगा कोई? विपक्ष आप ही बनिए, हम बने, लेकिन उचित बनना चाहिए। अच्छा क्या करें, नीतीश हैं और तब नीतीश कुमार हैं, मायावती हैं, चंद्रशेखर हैं, अखिलेश यादव हैं और आरएलडी के हैं, तो किसको क्या लग रहा है इस बार विपक्ष में? आप देखिए सब, मैं यही कह रहा हूँ, तो बहुजन लीडर है ना सारे? बहुजन लीडर हैं, लेकिन उनके कार्यविधि में कमियां हैं। हम नौजवान आए, नौजवानों को दीजिए देश को संभालने के लिए। चंद्रशेखर उभरता हुआ, हाँ उनको दीजिए, आइए लाइए उनको, 80 साल के 82 साल के बच्चों को हटाए यहाँ से, नेताओं को। सही बात है, आप क्या मेरे, आप मेरे बेटे मेरे बहन पढ़ कर जाती है, उसको क्या था सीबीआई से इंक्वायरी की, तब लोग मेडिकल तब इंक्वायरी, ये नेता बन जाते हैं जो बीए पास है, हमारे एमएससी में लड़कों को लड़कियों को कहते हैं अब नौकरी नहीं है। अरे जब तुम नौकरी खत्म कर रहे हो, आज नई तुगलकाबाद से नई दिल्ली के रेलवे का टिकट 10 रुपया था, आज इनके राज में 30 रुपया हो गया, क्यों हुआ? गुड़गांव से दिल्ली का 45 रुपया का, बताइए ये लूट नहीं रही जनता से? जनता का खून चूस रहा है, सुविधा भी तो दे रहे हैं, क्या सुविधा दे रहा? आप एक मजदूर 10,000 रुपये महीने कमाने वाला, मजदूरी करने वाला, वो मेट्रो में चढ़ सकता है? बताओ ना मुझे। आज जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा उसको क्या सीबीआई की दुआ लगा दो? अरे वो देश विरोधी है, वो देश द्रोही है। तो धन्यवाद, मैं आपसे यही धन्यवाद। बड़ी कॉल यहाँ पर, तमाम दुसाद परिवार के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ा सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और अलग अलग लोग हैं। 2024 में तमाम लोगों ने जो अपनी राय दी है, आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।